launch for the new launch of the new collection. I have Aiza Khan with me. She is the starlet of TV dramas in Pakistan and super talented. She's a mom to a one-year-old, like a lovely human being, and I can't wait to like introduce you guys to her like in a very different manner. Yeah. So let's welcome her on. Hi Aiza. Hello. How are you? I'm good. और पहले एक बात मुझे बता दी गई थी कि बहुत relax होना. हाँ. Interview नहीं है. नहीं interview ना, बस बहुत relax हैं. Question one. Who's been your favorite co-star? Well, जब मैंने शुरू किया था तब मुझे फहद मुस्तफ़ा बहुत पसंद थे. मुझे अभी तो इमरान के साथ मैं इतना काम किया कि इमरान के साथ बहुत मजा आया. हाँ. पूरा साल मैं कर सकती हूँ इमरान के साथ. कोई भी प्रोजेक्ट दे दो. But you even worked with Hamza Ali Abbasi as well. Yeah, Hamza के साथ भी मैंने किया. अच्छा, Hamza के साथ ना काम करना बहुत मुश्किल है. अच्छा. वो बहुत हंसता है. I can imagine. उसके साथ जितना भी था और उस तरह का था, इसमें गुस्सा आना था और वो सारी चीज़ें, तो वो हंसता रहता था. मैं कहा क्या कर रहे हो यार. मैंने कहा तुम नहीं दोगे मुझे, तुम बिल्कुल ना देना क्यूज, मैं नदीम भाई देंगे. हाँ. वो ही देते थे. मैं उनको बोलती थी प्यारे नदीम, प्यारे नदीम. नॉट प्यारे. मैंने कहा प्यारे अफजल नहीं जानती, प्यारे नदीम के साथ मैंने पूरा सीरियल किया और सब कुछ वही किया. व्हाट हैज बीन द मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर यू प्लेड? आई थिंक प्यारे अफजल का जो कैरेक्टर था फरा, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था. और उसके बाद से जितने भी कैरेक्टर्स थे, चाहे वो माहीन थी मोहब्बत तुमसे नफरत की, या वो माया थी एक तो दिल का क्या, वो सारे जितने भी खलील साहब के स्क्रिप्ट होते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होते हैं. बिकॉज तुमको उतना ट्रस्ट होता है कि ये तुमने करना है, और ये लड़की को तुमने अगर बुरा लगना है ना, तो ये लड़की पे गुस्सा आ जाए लोगों को. ना हंसाना आसान है, ना हमारे साथ ना रुलाना आसान है. अच्छा, मुझे रोना नहीं आता. मेरे लिए रोना बहुत मुश्किल है. लाइक एक्टिंग अगर मैं करती हूँ तो मैं रोने की एक्टिंग करती हूँ, बिकॉज मेरे मैं किसी के सामने रो नहीं सकती. अच्छा, इफ आई वर टू कम टू योर हाउस राइट नाउ, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आईड फाइंड इन योर फ्रिज? एप्पल्स. रियली? एप्पल्स, हर जगह एप्पल्स होंगे, क्योंकि मेरी जो बेटी है ना, उसके फेवरेट एप्पल. सो वो अगर फ्रिज में उसको नहीं मिला तो बहुत अपसेट हो जाती है. तो अब हम मेक श्योर करते हैं, स्कूल भी उसने वही लेके जाना है, एप्पल्स लेके जाना है. सो एक एप्पल जो है ना, सबसे पहले खुलते एक बास्केट है, वहाँ एप्पल्स रखे होते हैं. अच्छा, हाउ हैज योर करियर चेंज सिंस यू बेबी? नो नो, बेबी के बाद. इसके बाद आई थिंक हाँ, मैं ज़्यादा फोकस हो गई हूँ. अब मैंने ये चूज़ कर लिया कि अच्छा, ये मेरा करियर है एंड दिस इज़ माई जॉब, ये मुझे करना है. और बच्चों को मैनेज करना है. अच्छा, किस तरह करना है बच्चों को मैनेज? बच्चे अब सुबह सबका सवाल ये होता है, बच्चों को छोड़ के आ गई होगी? छोड़ के नहीं आई, सब वर्किंग वुमेन का ये होता है. हम काम करते हैं, हम लोग मैनेज करना जानते हैं. मेरी अम्मा है, स्कूल जाती हूँ मैं, उसको छोड़ती हूँ. कोई बिलीव नहीं करेगा, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, 7 o'clock तो मैं उसका लंच प्रिपेयर करके, खाना प्रिपेयर करके मैं उसको जाती हूँ छोड़ने. ना फ़ोन यूज़ करते हैं, फिर सब कहते हैं इंस्टाग्राम के लिए कैसे टाइम मिलता है. मैंने कहा वो मैं निकाल सुला रही होती ना, यूं करते करते तब मैं वो इंस्टाग्राम के लिए तो निकल आता है. वो मेरे फैंस हैं, वो भी मेरी फैमिली है ना, उनको भी तो टाइम देना है. अच्छा, बचपन की फेवरेट मेमोरी? बचपन की फेवरेट मेमोरीज मेरी बहुत खतरनाक है. अच्छा, प्लीज सुना. कि मैं बाथरूम बंद हो गई थी एकदम. बाथरूम में बंद हो गई थी. आई रिमेंबर कि मैं तो वो होता था कि जल्दी छुट्टी हो जाती है, मेरे कजन साथ मेरे पढ़ते थे, तो मेरा जो जो वहाँ का वॉशरूम था स्कूल का, वो काफ़ी दूर था. अच्छा. तो मैं वो छुट्टी के वक्त मैं चली गई थी वहाँ पे, तो किसी ने वो नहीं होगा, सब सबने लॉक किया वहाँ पर और आ गए. अच्छा, मैं अंदर ही थी वॉशरूम के, सो मुझे आवाज़ है किसी ने लॉक कर दिया मेन डोर, और मैंने वहीं पे जो है ना रोना शुरू कर दिया, अल्लाह मियाँ ये क्या हो गया मेरे साथ. सो उसका मुझे इतना डर है कि मैं अपनी पूरी स्कूल लाइफ, अपनी कॉलेज, अपनी मैं कभी वॉशरूम नहीं गई, कभी वॉशरूम ही नहीं गई. वॉशरूम नहीं जाती मैं. क्या मतलब है? लाइक वो जो होते सारे, मैं नहीं जाती, वरना मैं किसी को बाहर खड़ा करती. अपने स्कूल लाइफ में तो गई नहीं. दैट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट गाइस, दैट समथिंग यू डिडंट नो अबाउट Aiza वाज दैट शी डिडंट गो टू द टॉयलेट इन स्कूल. अगर मौका मिले दोबारा कोई प्ले करने का तो कौन सा करोगी? मैं प्यारे अफजल करूंगी दोबारा. और अगर कोई कास्ट में चेंज करना हो तो किसको चेंज करोगी? नहीं, मैं चेंज किसी को भी नहीं करूंगी. रीडू द होल थिंग, वही चीज दोबारा. वहां से मुझे लगा कि मुझे एक नई पहचान मिली. जब आप एक्टिंग का होता है ना, कि यार ये काम भी अच्छा जानते हैं, बिकॉज मुझे लगता है आपका काम जो है ना, वो आपका रहता है सारी जिंदगी आपका करियर में. सो यू हैव टू मोर फोकस ऑन योर वर्क. इसके अलावा, इन योर हस्बैंड्स ओपिनियन, व्हाट इज योर बेस्ट क्वालिटी? आई थिंक मेरे मियाँ को ये पसंद है कि मैं बहुत सारी चीज़ें सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, उसको पता नहीं लगता. या
घर फैमिली करियर वो सारे, किसके कल शादी है किसकी शादी नहीं है, किसकी शादी में क्या देना है, किसके गिफ्ट देना है, किसके बर्थडे में क्या करना है, उसको कुछ नहीं पता होता। फला जगह रुक गई, दो तीन जगह चॉकलेट्स ले ली, बुकेस ले ली, ये सब ले लिया। मैंने कहा हमने फला बर्थडे में जाना है, ये चीज़ें आ गई। कहते हाँ अच्छा हाँ हाँ यार गुड हो गया, गुड हो गया। एंड इन योर ओपिनियन व्हाट्स योर बेस्ट क्वालिटी? मेरी आई थिंक मेरी बेस्ट क्वालिटी मुझे लगती है कि मुझे हमेशा से ना फैमिली से ज़्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं होती। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत क्लोज हूँ। फ्रेंड्स हैं मेरे, लेकिन फ्रेंड्स भी वो हैं जो मेरे फैमिली के सर्कल में हैं सारे, तो मैं उनको इग्नोर नहीं करती और किसी के लिए। अच्छा, व्हाट्स द बिगेस्ट ब्लंडर सेट पे को मारा हो? सेट पे ब्लंडर मेरे तो बहुत होते हैं। मुझे ना टकराने की बहुत आदत है हर चीज़ से। मेरा जो एक घुटना है ना वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि एक सेट पे मैं गिर गई थी बुरी तरह। वो भी नहीं था, रेलवे का सीन था, तो मैं वहाँ पे गिर गई थी। मेरा था दो कदम दूर थे, वहाँ पे मैं गिरी, तो मेरा घुटना इतना बुरी हालत थी। और मुझे बहुत आदत है, कोई भी कोना होगा, कुछ भी होगा, घर में भी अभी भी बच्चों से ज़्यादा मैं टकराती हूँ। एक दफ़ा मैं झूले पर बैठी थी, झूला झूल रही थी और मैं गिर गई। मैं जाते सैफी हसन का एक प्ले था वो, तो हम लोग कर रहे थे, मैं जाके झूले पर बैठी और झूलने लगी, वो पलट गया और मैं गिर गई इधर, तो पूरा सेट जमा हो गया। एक्सीडेंट प्रोन, झूला ख़राब था, झूला में कोई मसला था। उसके बाद ना डायरेक्टर कॉल करते करते ना वो अचानक से उनको याद नहीं रहा, वो बैठ गए, खाली मैं पीछे थी, मैं उनको रोकने वाली थी और वो धड़ गिर गए, उनको कोई उठाने नहीं आया, सिर्फ मैं गई। मैंने कहा देखें ये होता है हीरोइन का, देखा आपने, कोई और किसी की फिक्र नहीं है। अच्छा, सीक्रेट टैलेंट कोई ऐसा जो लाइक पीपल डोंट नो दैट यू आर अमेजिंग एट? मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ, और एक्चुअली मैं एक्सरसाइज नहीं करती, मैं डांस करती हूँ। अच्छा, सुबह मूवीज़ में क्यों नहीं आने का कभी सोचा? यार मूवीज़ में आने का इसलिए नहीं सोचा क्योंकि मुझे लगा अभी तक उस तरह की कोई फिल्म नहीं बनी जिसमें मुझे लगता है कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा मेरा एफर्ट हो, काम करूँ, ये करूँ। मेरी वो है कि मैं वो करूँगी जिसके अंदर एक तो शदीद कोई लव स्टोरी हो ना, इंटेंस, मर जाएं लोग और रोने लग के रोने, भाई प्लीज रुलाओ मत, और रोने मज़ा आता है। लोग जब निकलते हैं ना उनके जहन में बैठना चाहिए यार इससे अच्छा नहीं हुआ, ये वाली चीज़ों की बहुत होती है। अच्छा हो जाए लोग याद नहीं रखते, बुरा याद रखते हैं। लाहौर की सबसे अच्छी ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है? यहाँ का मौसम। Really? हाँ, सिर्फ विंटर में मैं कराची जाऊंगी तो मैं पिघल रही होंगी। So how long, how do you come to Lahore often? काम से रिलेटेड मैं आती हूँ ना, मेरे पास वहाँ इतनी बिजी लाइफ है मेरी कि मैं निकल नहीं सकती। निकल सकता। I'm sure with two kids तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा। जी, मेरा एक मियाँ भी है। So, वो मेरे लिए सबसे पहला बच्चा मेरा वही है जिसको मैं ऐसे ही रखती हूँ, तुमने क्या खाना है, तुमने क्या पहना है। What does your nightly skin regime consist of? स्किन का मेरा एक तो मैं सबसे पहले आपकी हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑयल और शुगर अपनी लाइफ से थोड़ा हटा देना तो आपकी लाइफ फेस वैसी अच्छा होता है। और इससे सबसे ज़्यादा जो केयर होती है ना, ठंडा पानी, मुँह हमेशा ठंडे पानी से धो, वो अच्छा होता है। और जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, कभी भी दही लगा, हाँ दही तो मैं आई कोई बलाई लगा ली, वो वाली चीज़ें जो होती है ना, हनी लगा लिया, तो हर रात कभी मैं कुछ लगाई हुई तो मैं कहते क्या है ये, कुछ साल पहले ना आई स्विच थ्रू वॉशिंग माई फेस विद बेसन। मैं बेसन से, सो मैं लंदन गई, आई स्टेइंग एट लाइक आई स्टेइंग सम प्लेस एंड माय समबडी लाइक माय खाला एंड ऑल केम एंड बाथरूम में गए तो वहाँ पे बेसन, ऑलिव ऑयल। सो माय खाला वाज लाइक तुमने पकौड़े पकाने हैं इधर क्या, तुम लाइक व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज दिस? इफ यू ओपन अप अ रेस्टोरेंट, अगर रेस्टोरेंट कभी खोला तो पहली मेन्यू पे डिश क्या रखोगी? बिरयानी नहीं रखूंगी। बिरयानी नहीं रखोगी? नहीं रखूंगी। उसके अलावा ये पहली कराची वाली हो जिसने कहा कि मैं बिरयानी नहीं रखूं। लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी लीव, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अलकरम? फैमिली। अलकरम मेरे लिए एक फैमिली है। मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ विद एवरीवन, चाहे वो खुर्रम हो, इनके नाम अमरा हो, अमारा हो, बहुत सारी सही लड़कियाँ हैं। जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना मैं कहीं, तो मैं उनको कहती हूँ यार कुछ भी करो तुम लोग सब साथ चलो, वो तो सब ठीक है, हम इन्जॉय करेंगे, शॉपिंग करेंगे। पहली हैं जो इस तरह बोल रही हैं, वरना जब इसके फिर काम करें और घर जाएं काम करें। नहीं, घर काम होता रहेगा। ये वाला टाइम जो हम साथ गुजारेंगे ना, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप आते हैं, एक साल किसी के साथ हैं, वो मेमोरीज होनी चाहिए कि यार ऐसा के साथ हमने ये किया, ऐसा के साथ ये मज़ा आया, अच्छा हमने ये। एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर ना कि आपको भी याद रहे वो बात। मेरे साथ मैंने तुम लोगों के साथ इन्जॉय किया, मुझे नाम याद है सब लोग, बहुत सारी जगह हम काम करते हैं हमें नाम याद नहीं होते, हम पूरा पूरा प्रोजेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो इनकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती हमारे साथ। वो पीछे पीछे से अच्छा ये पहना दो, अच्छा ये कर दो, वो नहीं होती आपकी। मैं कहती हूँ मैं तो इन्जॉय करती हूँ, जो भी मेरे जिनके साथ मैं काम करती रहती हूँ अपनी, मेरी वो फैमिली बन जाते हैं। अब मुझे सबने बुलाना शुरू करना, हमने यही इंटरव्यू लेना है आयजा तुम्हारा, सबको नहीं बताऊँगी ये थी, ये मेरी फेवरेट एसपी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस सेगमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।